मास्टर क्लास नीम के बेसिक आप सब लोगों का। तो मैं मीशो पे बिलीव करता हूँ, जो भी हमारे पास इन होता है बंदा, हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। और यू नो में ट्रेनिंग के तीन चार पहलू हैं। एक जब बंदा आता है तो वो अनट्रेन होता है, लेट्स गो, और अनकॉन्शियस भी होता है, उसे कोई चीज करता है। आफ्टर डेट वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन स्टिल अनट्रेन होता है। अब उसकी सेकंड स्टेज पे जब उसके लिए फिनोमेना होता है, इसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग करते जाते करते वो ट्रेन हो जाता है, तीसरे लेवल पे ट्रेन होता है और साथ कॉन्शियस भी होता है। ड्राइविंग में भी अगर आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें तो आप डेफिनेटली देखेंगे इस तरह। लास्ट एंड फाइनल स्टेज क्या होती है कि वो ट्रेन होता है और अनकॉन्शियस होता है। अब अपने ड्राइविंग के ऊपर ओवरकॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस होता। आप देख रहे ऑटोमेटिकली सारा कुछ, आप देख रहे हैं ड्राइव करके, देख रहे यू आर फुली ट्रेन बट अनकॉन्शियस। डोंट वरी कि अगर ऑटोमेटिकली आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। तो ये चार जो स्टेजेस हैं ट्रेनिंग की, ये मस्ट प्रिवेल करती हैं। और इसको आप अगर इसी पैरा में बच्चे को करें, ट्रेन करें, तो यू गेट इट बेटर। जो हमने सिलसिला शुरू किया था वो स्टार्ट देखा थे रिएक्टिव, प्रिवेंटिव, इसके बाद प्रेडिक्टिव, और फिर जो है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, ये आई। और फिर जो हमको ब्लॉक किया तो फिर आरसीएम का नाम है, लायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। इसको फिर छोड़ डेट में गए तो हमने एक फाइनली पॉइंट आउट किया, हर चीज के ऊपर आप एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते, टू नॉट पॉसिबल। मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी लगा सकता हूँ डेट इज टोटली रिएक्टिव, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। अगर ये मेरी ट्यूबलाइट्स ऑफ हो जाती है तो डजंट मैटर, मेरी तीन लाइट जा रही है, मेरा काम सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं इस पर प्रिडिक्टिव नहीं लगा सकता, मैं हर डेली बेस पे इसके वोल्टेज, इसका एम्पीयरेज नहीं चेक कर सकता, जरूरत नहीं है। इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं इस पर प्रिवेंटिव भी नहीं लगा सकता, वो भी एक एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मुझे अपने मशीन को मॉनिटर करके उसके ऊपर उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी जो रोल है प्लांट के ऊपर, उसको देखते हुए मुझे ये मेंटेनेंस स्ट्रेटजी अप्लाई करनी। हमने ये अप्लाई किया और कमीशन बेस्ड सिस्टम के ऊपर जब जाना शुरू किया, तो एक मैं इसमें शेयर करता हूँ कि वंस अपॉन टाइम ये हुआ कि एक नया रोल जो था सेट हमने चेंज किया, बट आफ्टर ए फ्यू आवर्स उसमें एबनॉर्मल साउंड आनी शुरू हो गई। ये सभी लोग बड़े परेशान हुए, तो हमने सजेस्ट किया कि क्योंकि ये आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो हमें रूट काज का पता पहले चल जाए तो फिर हम चलाएँ के बहुत सारे तरीके हैं। आप टेम्परेचर चेक करें, आप थर्मोग्राफी के जरिए पॉइंट आउट करें, आप उसकी साउंड लेवल को चेक करें, एबनॉर्मल को आप हियरिंग पावर आपके पास है उससे चेक कर सकते हैं, आपके पास मीटर है, वाइब्रेशन डाटा लें, वाइब्रेशन से आपके वाइब्रेशन पैन है, माइक्रोलॉग है, एनालिसिस करें, ऑल दीज आर एक्टिविटीज, इन पे आपको टाइम तो सर्व करना। तो वहाँ पे हमने थर्मोग्राफी की एक स्कीम लगाई, हियरिंग था साइज प्लस का, हमने थर्मोग्राफी से उसके फ्रंट लाइन जब थर्मल इमेज लिया तो भी एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब अब ये है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सिर्फ 15 मैं समझता हूँ वही सक्सेसफुल है जिसको उस मशीन के बारे में हुआ होगा। तो वो उसके कह सकता कि मेरा ये मसला है और अगर आपका कोई इशू है तो बता दें कितना टाइम लगेगा, ताकि मैं एक प्लान दे दूँ फॉर शट डाउन विंडो के लिए। जब हम ये करना शुरू किया तो उसने कहना कि मेरा भी प्रॉब्लम है, मैंने ये इसको रेक्टिफाई करने के लिए इतना टाइम लगा। चूँकि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग इसकी उन लोगों की हो चुकी थी, उन्होंने आराम से कहना सर नहीं ये प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व हो जाता, आप क्या कर रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन हमने पहला दो तीन एक्टिविटीज और भी करी। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन इनका बड़ा जबरदस्त हो गया। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से इनका जो शॉर्ट डाउन प्लानिंग हम टाइम सजेस्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर के लिए शॉर्ट डाउन विंडो चाहिए प्रोडक्शन ऑफिस से रिक्वेस्ट करते थे, तो हम उसको वाइडअप करके तो उसमें फिर हमने इनका एक लीडर मुकर करते ना शॉर्ट डाउन, और वो उसको वाइंड अप करने तक एंड तक रिपोर्ट वही जनरेट करता था, चाहे किसी भी एंगल से आप उसको देखते।
चाहे वो मैकेनिकल की एक्टिविटी जा रही है, इंस्ट्रूमेंट व्हीकल जो लीडर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट शटडाउन विंडो, और एंड पे उसकी एक रिपोर्ट भी देखता था कि मैंने इसको किस तरह किया। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, ये इसकी बिहाइंड द सीन ये सारा आके इसमें डीएम साहब ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की थी, कुछ उन्होंने ये जो फॉर्मेट हमने अपने अप्लाई किया बच्चे को ट्रेन करके आवेदन से, तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ी। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि हर एक बंदे को दूसरे काम की नोबाउ नहीं होती थी, और इसमें जो लीडर मुकर करते थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसने शटडाउन टाइमली माइंड अप कर दिए और वो ऐड देना प्रोडक्शन को। अब इसमें मुझे तुरंत साहब ने कहा जी आपने सी पी एम जो है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है।